आज न्यूज इंडिया में हूँ स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज के ताजातरीन खबरों पर। वाराणसी के न्यू 80 घाट पर घाट संध्या समिति द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस को समर्पित घाट संध्या का 722वें दिवस पर नौ साधना कला केंद्र तरना से पधारे प्रोफेसर ए राबीन, प्रोफेसर रोसमा रूबी जैसे दिग्गज गुरु कलाकारों ने पुष्पांजलि, शिव स्तुति, बीरा भजन इत्यादि के संग अति सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। साथ ही डॉक्टर रत्नेश वर्मा, लव कुमार गुप्ता, अपराजिता बनर्जी और मौर्य ने आदि ने प्रदर्शन भी दिया। जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत मुरली गांव में राष्ट्रीय आई केयर शिविर लगाकर नेत्र परीक्षण किया गया। इस परीक्षण का आयोजन डॉक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में किया गया। वाराणसी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। हम वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत ये मुरली गांव है, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है कि चश्मा का कार्य कर रहे हैं, चेकिंग करके कोई बात नहीं। साइड बोलिए जरा, क्या बोलिए, ये चश्मा कैसे किस प्रस्ताव लगा रहे हैं? यहाँ पे फ्री आई चेकअप का कैंप चल रहा था डॉक्टर सुनील शाह द्वारा। हम वहीं से पढ़े हैं, वहीं के स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे अपना राष्ट्रीय आई केयर का क्लिनिक डाले हुए हैं, तो इनको चश्मे का चेकअप करके फेको विधि द्वारा इनके आंखों का जांच किया जाएगा और इनका ऑपरेशन किया जाएगा। फेको विधि द्वारा इनको अघोर फाउंडेशन पे ले जाके इनकी कार्यक्रम करती किया जाएगा, जैसे ऑपरेशन करना हुआ। वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत जगदीशपुर गांव में ग्राम प्रधान की बढ़ती दबंगई की अनियमितता के कारण गांव वाले हैं परेशान। वाराणसी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। वो ना है ऊपर और निकलने वाला है। हम वाराणसी के जगदीशपुर चोलापुर थाना अंतर्गत जगदीशपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है जनता की ग्राम प्रधान की समस्या है, जो कि इन लोगों को क्या क्या कहना चाहते हैं आप बोलिए 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 आप ही बोलिए। हाँ बोलिए आप ही बोलिए। पहले तो हमारे गांव में समस्या शौचालय की है, जो कि शौचालय अभी तक 600 शौचालय ब्लॉक ने दे दिया है, पंचायत साहब के द्वारा से नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन यहां पे बना नहीं है। और ऐसे शौचालय है कि जो पुराने शौचालय हैं, पहले का 100 शौचालय है, और उसको जो है कि 8-8 हजार रुपया देकर ग्राम प्रधान ने और 4-4 हजार रुपया लेकर चेक वितरण किया। अच्छा। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका शुभ नाम क्या है बोलिए? हमारा मैना नाम है। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं प्रधान के बारे में? वो जो हमारे लड़के के नाम से आया था शौचालय, वो जो लीक कर आके जांच में तो पैखाना बनने ही नहीं है, कहे कि नहीं सबको दे दिया है, नहीं बना। हाँ, आवास तो एकदम में नहीं है घर में, हम लोग के एकदम में आवास नहीं है, न शौचालय बना न आवास है। हाँ, शौचालय एक बना है हमारे लिए खाली, जो लड़के हैं अलग अलग रोटी बनाए उनको नहीं है। और कोई कुछ कहना चाहता? बुलाओ बुलाओ लोगों। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? गिर गला पता लीक हो के गया, फोटो वोटो खिंचा कर आवास नहीं आया, आवास नहीं मिला, शौचालय एक सास के हमारे मिला है, हम लोग के अभी नहीं मिला। अच्छा नहीं, एक गड्ढे का शौचालय, ये बताइए ना, दो गड्ढे का है। और हमारे यहाँ तो राशन कार्ड के लिए कब बोल रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड बनाए नहीं, कुछ नहीं, अभी लैटरिन भी बना नहीं है। आपका भी लैटरिन नहीं बना? नहीं बना है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कह सकते हैं, हमारे ग्राम पंचायत जगदीशपुर में ग्राम प्रधान द्वारा जो है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जो कि 600 शौचालय पास हो गया है, उसमें जो है कि 100 शौचालय फर्जी पास किया गया है, उसके बाद 250 शौचालय जो है सिंगल गढ़ा का उपयोग किया गया है बिना मानक का, बिना मानक का, ये जो कि ग्राम प्रधान का, इसकी हम लोग जिले से लेकर ब्लॉक स्तर से हर जगह दरखास्त दे चुके हैं और DPRO साहब जो है कि रिपोर्ट भेजे भी हैं, AODO पंचायत साहब बिना जांच के ही रिपोर्ट लगा दिए हैं।
ये सब चीज सही है, इसका हम लोग निस्तारण करना चाहते हैं, आगे से जिले से कार्रवाई हो और हम ग्राम प्रधान को सजा दें। आप भी कुछ करना चाहते हैं? और हमारे ग्राम सभा में जितने भी लाभार्थी हैं ग्राम शौचालय के, उन लोगों में कुछ ऐसे प्रधान के चाहते हैं जिनको पाँच पाँच छः छः चार चार दो दो शौचालय एक ही लाभार्थी के नाम पर नियुक्त मतलब दे दिया गया है प्रधान द्वारा। क्षेत्र पंचायत विदेशी इनसे बोल दे। हाँ हाँ सर, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य सर विनोद कुमार और वार्ड नंबर 74 से। सर हम कहना चाहते हैं कि ग्राम जगदीशपुर में जो भी कार्य हुआ है अनियमितता बरती जा रही है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है हमारे ग्राम क्षेत्रवासियों के साथ, हम कहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करें। सत श्री अकाल जी, मैं गुरलाल सिंह बरोला ब्यूरो पंजाब फास्ट न्यूज इंडिया चैनल वालों सारिया नू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति तो इलावा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे प्रकाश दिवस दियां सब नू बहुत बहुत मुबारक दिंदा हां। ते नाल ही मैं गल करदा हां फास्ट न्यूज इंडिया चैनल दी, इस दे सबसक्राइबर बनो, नवीं ताजा खबरां सुनो, फ्री विच गिफ्ट तो इलावा इंश्योरेंस भी पाओ और इस पूरे पंजाब विच इस दे रिपोर्टर ब्यूरो बनो ताकि आने वाले समय विच भ्रिष्टाचार नूं खत्म किया जा सके। इस चैनल दे नाल जुड़ के तुसी 1000 तो लैके 1 लाख तक दी सैलरी भी प्राप्त कर सकते हो। सो मैं अज जरूरत है सानू भ्रिष्टाचार नूं खत्म करन दी, सो मैं ही बेनती करदा हां मेरे नाल जुड़ो, पूरे पंजाब विच पूरे भारत विच साडा ये चैनल चल रहा है। मैं दोबारा फिर सारिया नूं बहुत बहुत मुबारक दिंदा हां, सत श्री अकाल, थैंक यू जी। मैं डॉक्टर राकेश सिंह न्यूरो सर्जन डायरेक्टर द हेल्थ सिटी हॉस्पिटल एंड द न्यूरो सिटी हॉस्पिटल की ओर से सभी समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति एवं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी लोड कैरियर महिंद्रा टाटा मोबाइल सड़क पर ही पलट गई। गाड़ी का ड्राइवर मौके पर ही भाग गया और गाड़ी जिला राजौरी नंबर की है और इस गाड़ी से राह चलते व्यक्ति को भी चोटें आई हैं, उनको राजौरी के सुंदरबनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा शिवखोड़ी से 20 किलोमीटर पहले कंडा चंडी मोड़ के पास जिला रियासी में हुआ है। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता संजीव कुमार की ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया, मैं संजीव प्राशर आपको लेके आया हूँ, जो एक ऐसा हादसा हो गया है। ये आप पीछे मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, तेज रफ्तार से आती हुई लोड कैरियर टाटा मोबाइल महिंद्रा एकदम सड़क में पलट जाती है और एक राह चलते व्यक्ति को जो इसकी गंभीर चोटें आई है, जो इसका ड्राइवर था वो मौके पर फरार हो गया है, पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और जो व्यक्ति घायल हुआ है उसको सुंदरबनी में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा जो कटरा वैष्णो देवी से शिवखोड़ी की ओर जाता है और पुंछ जोरी को भी यह रास्ता निकलता है, आप मेरे पीछे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। फास्ट न्यूज इंडिया, मैं संजीव प्राशर कैमरामैन गुराज के साथ कंडा रियासी। विकास खंड मिश्रिक में उप जिलाधिकारी खंड विकास अधिकारी राजीव पांडे की उपस्थिति में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित अशेष लाभ पात्र लाभार्थियों की पेंशन हेतु कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा व दिव्यांग पेंशन सहित 169 आवेदन आए। 31 आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। कैंप में विकास खंड क्षेत्र के प्रधान बीडीसी सहित सैकड़ों मतदाताओं को ईवीएम मशीन द्वारा मतदान करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। मीडिया से बात करते हैं खंड विकास अधिकारी राजीव पांडे। विकलांग पेंशन के 7 फॉर्म आयोग में 4 का निस्तारण करा दिया गया है। ईवीएम से क्या जानकारी दी गई लोगों को, क्या प्रशिक्षण दिया गया? ईवीएम का न्याय पंचायत द्वार प्रशिक्षण और अन्य प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि मतदाता के लिए ईवीएम की जानकारी होना परम आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ईवीएम के लिए दशरथपुर और विभिन्न आसपास के जो ग्राम प्रधान और लोग वहां कैंप में आए हुए थे, उनको ईवीएम का प्रदर्शन करके बताया गया।
और सभी ने इस बात का हर्ष प्रकट किया कि ईवीएम के द्वारा जो संचालन किया जा रहा है और जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वहाँ पर संतोष और पारदर्शी। ये थे समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए 5 न्यूज़।